सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन। गाइस कैसे हो आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 के 30-20 मैच के बारे में। दोस्तों, मैच होने वाला है मदुरई पैंथर्स और नेल्लाई रॉयल किंग्स के बीच में। दोस्तों, अगर मैच की पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 14 जून को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग दोपहर के 3 बजे यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच खेली जाएगी SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोयम्बतूर इंडिया में। अब बात करते हैं फ्रेंड दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम अगर मदुरई पैंथर्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर नेल्लाई रॉयल किंग्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच हार के आ रही है, 2 मैच जीत के आ रही है। तो ये है दोनों टीमों का टीम फॉर्म। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे मदुरई पैंथर्स 1 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करें लास्ट 3 मैचेज में, तो जहां पे मदुरई पैंथर्स 4 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं नेल्लाई रॉयल किंग्स भी 4 मैच जीत के आ रही है। अगर हेड टू हेड के अकॉर्डिंग बात की जाए तो यहां पे दोनों का इक्वल फॉर्म देखने को मिल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, ज़्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं। लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहली कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहां पे मदुरई पैंथर्स का 50% देखने को मिल रहा है, तो वहीं नेल्लाई रॉयल किंग्स का 60% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात करें तो मदुरई पैंथर्स का 135 है, तो वहीं नेल्लाई रॉयल किंग्स का 171 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो मदुरई पैंथर्स का 183 है, तो वहीं नेल्लाई रॉयल किंग्स का 236 है। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो मदुरई पैंथर्स का 76 है, तो वहीं नेल्लाई रॉयल किंग्स का 121 है। तो ये है दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर कंपेरिजन के मामले में बात करें तो यहाँ पे दोनों का लगभग इक्वली फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है? तो इस पिच पे अभी तक टोटल 11 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। अगर इस पिच पे अगर फर्स्ट इनिंग का स्कोर की बात करें तो इस पिच पे फर्स्ट इनिंग में काफ़ी अच्छे रन स्कोर बनाए जा सकते हैं, मे बी 160-165 में भी रन जाएगी। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में इस पिच पे रन स्लो हो सकती है, तो टीम के लिए ज़्यादातर प्लस पॉइंट हो सकते हैं कि टॉस जीत के बैटिंग चूज करें। अगर सरफेस की बात करें तो इस पिच पे अगर जो भी टीम अगर टॉस जीत के बैटिंग करती है तो उस टीम की मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि अगर चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो पिच है काफ़ी स्लोअर पिच है, डिफेंड में रन काफ़ी अच्छे लग सकते हैं, बट अपोजिट टीम जो चेस करने वाली रहेगी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि पिच काफ़ी ड्राई हो सकती है और सेकंड बैटिंग को करने में यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये रहे पिच की रिपोर्ट। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस देखते हैं। तो पहले टीम मदुरई पैंथर्स की बात करें, नो डाउट काफ़ी अच्छी टीम है, पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा फॉर्मेशन देखने को मिला। वहीं इस सीजन में भी उम्मीद है कि इस सीजन में भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों का कम्बिनेशन अच्छा देखने को मिले। वहीं अगर दूसरी टीम नेल्लाई रॉयल किंग्स की बात करें, नो डाउट ये भी काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, पिछले सीजन में भी काफ़ी अच्छा फॉर्म देखने को मिला, तो इस सीजन में भी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा फॉर्म परफॉर्मेंस करे। अगर वहीं बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल सकता है, दोनों टीम काफ़ी एक दूसरे को काफ़ी अच्छे बीट कर सकते हैं, तो मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे वेरिएबल बाउंस पे। अब चलते हैं दोनों टीमों की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम मदुरई पैंथर्स के की प्लेयर की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर, मुर्गुन अश्विन, जगदीशन कौशिक, हरि निशांत। वहीं दूसरी टीम नेल्लाई रॉयल किंग्स के की प्लेयर की बात करें तो अरुण कार्तिक, राम सिंह, सोनू यादव, अश्विन क्रिस्ट, ऋतिक ईश्वरन। तो ये ना दोनों टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए मदुरई पैंथर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बने रहे हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।